की रेलिंग तोड़कर ट्रक गर्रा नदी में जा गिरा। चालक सहित दो पुलिसकर्मी नदी में डूब गए। चोरी के ट्रक को पुलिस हरदोई ले जा रही थी, पीछे पीछे एसओजी की गाड़ी चल रही थी। पाली हरदोई थाना क्षेत्र के अंतर्गत गर्रा पुल की रेलिंग तोड़कर ट्रक नदी में जा गिरा। चोरी के ट्रक को पुलिस ने रूपापुर से बरामद किया था। ट्रक ड्राइवर सहित क्राइम ब्रांच टीम के दो पुलिसकर्मी ट्रक को हिरासत में लेकर देर रात 3 बजे हरदोई जा रहे थे। पीछे पीछे पाली एसओजी की टीम भी चल रही थी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले शाहबाद क्षेत्र से ट्रक चोरी हुआ था, जिसका मुकदमा शाहबाद थाने में दर्ज है, जिसको पाली पुलिस ने रूपापुर से बरामद किया था और उसको हिरासत में लेकर हरदोई के लिए सुबह 3 बजे जा रहे थे, जिसमें ट्रक ड्राइवर के साथ एसओजी टीम के दो कांस्टेबल श्रवण जायसवाल व भूपेंद्र शर्मा बैठे थे। पीछे पीछे पाली एसओजी की गाड़ी चल रही थी, तभी गर्रा पुल पर पहुंचते ही ट्रक गर्रा पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में जा गिरा, जिसमें ट्रक चालक सहित दो पुलिसकर्मियों की नदी में डूबने से पुष्टि हुई है। एसपी ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को क्रेन के द्वारा बाहर निकलवाया। चालक का शव ट्रक में बरामद हुआ। पुलिसकर्मियों के लापता होने पर गोताखोरों के माध्यम से लगभग 12 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सिपाही भूपेंद्र शर्मा का शव नदी से बरामद किया गया। समाचार लिखे जाने तक सिपाही श्रवण जायसवाल के शव की पुष्टि नहीं हुई थी। तलाश जारी थी। एसपी व एएसपी मौके पर मौजूद थे, साथ ही कई थानों की पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। ट्रक गिरा है और क्या मामला है, कितने लोग सवार थे इसमें, अभी तक क्या रेस्क्यू चल रहा है? देखिए, बहुत ये दुखद घटना हुई है, जिसमें कि हमारे बहादुर एसओजी के सिपाही, हमारे पुलिसकर्मी जो एक ट्रक चोरी के मुकदमे में एक चोरी के ट्रक को बरामद करने के लिए हमारी एसओजी टीम निकली थी और बहुत टैक्टफुल तरीके से, बहुत बहादुरी से उन्होंने उस चोरी हुए ट्रक को बरामद भी किया और वो बरामद किए ट्रक को वो लोग लेके आ रहे थे। और जहाँ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें कि जो ट्रक था, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, गर्रा नदी के पुल के ऊपर से रेलिंग को तोड़ता हुआ पुल नदी में आके गिरा है, जिसमें कि अभी एक डेड बॉडी निकाल ली गई है और दो डेड बॉडी उसमें अभी होने की संभावना है। उनके लिए लगातार प्रयास जारी हैं और सभी टीमें यहाँ लगी हुई हैं, गोताखोर लगे हुए हैं, नाव यहाँ पर लगी हुई हैं, ट्रेनें यहाँ पर हैं और सभी पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही हम उन दोनों डेड बॉडीज़ को भी बरामद कर लेंगे। जिन पुलिसकर्मियों ने ये बहादुरी का काम किया था, ये ट्रक को बरामद किया और वो लोग अपनी ड्यूटी करते हुए जो लोग वापस आ रहे थे, उसके लिए हमने उनके परिवारजनों को सूचित करने के लिए निर्देशित कर दिया है और आगे की जो कार्रवाई है वो जारी है। सर, ट्रक कहाँ से चोरी हुआ था और कहाँ बरामद हुआ था? देखिए, ये थाना शाहबाद में मुकदमा लिखा हुआ था ट्रक चोरी का, उसी के ही क्रम में ये पूरा ऑपरेशन किया गया।